हेलो बच्चों, मैं आरती शर्मा आज सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज आपकी टॉपिक है आपकी व्याकरण लतिका, हिंदी व्याकरण लतिका से समानार्थी शब्द। ओके, ये है देखो आपकी हेडिंग समानार्थी शब्द, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है समान अर्थ वाले शब्द। वो जो शब्द समान अर्थ बताए उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। ओके, इसी शब्द को, समानार्थी शब्द को हम दूसरे नाम पर्यायवाची शब्द से भी जानते हैं। पर्यायवाची जो एक शब्द दूसरे का पर्याय बताए उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी शब्द होता क्यों है और ये क्या है, पहले उसके बारे में हम जान लें। तो बच्चों, समानार्थी शब्द ये है कि जब एक शब्द दूसरे शब्द दोनों का अर्थ एक ही हो। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो चंद्रमा को चांद भी बोलते हो। जो शब्द समान अर्थ बताता हो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में काफी इजी करने के लिए बताया गया है कि समान अर्थ वाले शब्द, क्योंकि हमें आगे ग्रामर पढ़ना है हाई स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ में, तो उसको हम इसी हेडिंग को समानार्थी शब्द से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए आज हम कुछ शब्द आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, कुछ शब्द हैं और उसके समानार्थी शब्द या बोलिए पर्यायवाची शब्द इधर दिए गए हैं। तो मैं एक एक करके बता रही हूँ, आप इसको रीड भी करेंगे, घर पर लर्न करेंगे। जैसे कि पहला पानी। ओके, घर पर हम इस सब चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पानी लो पानी दो। तो पानी को हम दूसरे शब्द में और क्या बोल सकते हैं, जल नील। इस शब्द का प्रयोग तो हम काफी करते हैं, जल, ठीक है, ये हम जानते भी हैं। लेकिन बच्चों शायद नील ये सुनने में आपको कम आता होगा, इसलिए आपको ये ज्यादा याद करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है आपका स्त्री। स्त्री शब्द को हम दूसरे शब्द में कहते हैं नारी, महिला। के? और ये है आकाश। जैसा आप पढ़ते हो ना, नीला आकाश है, ठीक है। तो आकाश को हम और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, गगन, नभ, आसमान भी है। इसलिए सिर्फ दो दो यहाँ बताए गए हैं, आपकी समानार्थी शब्द बहुत सारे होते हैं, ठीक है। रात, रात्रि, निशा, ठीक है, रात्रि निशा। आगे देखिए दिन, इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है दिवस, वार। दिवस और वार ये आप इस्तेमाल तो करते हो शब्दों का हमेशा, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, है ना। तो ये दिवस जो होता है वो क्या कहलाया, दिन। जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ वो दिन है, तो उसको बोले स्वतंत्रता दिवस, है ना। हमने इसको बहुत यूज किया लेकिन ध्यान नहीं दिया है क्या बोलते हैं इसका समानार्थी, दिन को बोलते हैं। ओके, वार। ओके, वार, वार जो आपके सप्ताह के नाम में आप हमेशा देखते होंगे, सोमवार, मंगलवार, क्योंकि वो दिनों के नाम है, दिनों के नाम है, साथ में उसके सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, उसको वार बोला गया, है ना। हमने इस शब्द का भी बहुत प्रयोग किया है लेकिन हम समझते नहीं थे कि इस दिन को पर्यायवाची शब्द में लिया गया है वार से, ठीक है। अब आगे देखिए सूरज। सूरज का रवि और सूर्य, ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है आपकी व्याकरण लतिका से, तो वहां पर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। तो वो समानार्थी शब्द को हम लेते क्यों और क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है और ये क्या लाभ देता है। तो बच्चों, शब्दों का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे काफी यूज होता है, ठीक है, शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। ऐसा है कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट जो आप भाषा पढ़ रहे हो, हिंदी जो लैंग्वेज, उसमें दूसरे जगह से आए हुए शब्दों को भी स्वतंत्रता मिली है कि आप उस तरीके से उसको समझ सकते हो, ठीक है, दूसरी भाषा से भी हम उस चीज को समझ सकते हैं। वस्तु वही होती है लेकिन बोलने का शब्द अलग अलग होता है, उसको हम वाक्य में या सुंदर वाक्य बनाने में इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जितना अच्छा शब्द होगा आपका वाक्य उतना ही अच्छा बनेगा।
तो इसलिए इस समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सारे शब्द आपको याद करना है बच्चों। जैसे गंगा, गंगा भी क्या है, एक उसका नाम देखिए, दूसरे नाम से बहुत बोला जाता है, उसको बोला जाता है भागीरथी। ओके, भागीरथ लेकर आया था गंगा को, इसीलिए उसको भागीरथी बोला गया। तो आपके पूर्वजों ने कुछ कुछ स्टोरी सुनाई होंगी, उस स्टोरी के अनुसार भी कुछ शब्द हम बाहर से लेकर उन सब से हम उनको पहचानते हैं। तो इस तरह से पर्यायवाची समानार्थी शब्द और पढ़ेंगे, सर्च भी करेंगे घर पर बैठकर, और अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे और हमें दिखलाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। ओके, बाय बच्चों।